फिल्म शेरशाह में वीर जवान का किरदार निभाने वाले एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म योद्धा की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्या है वो अपडेट, जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा में दिशा पटानी की एंट्री हो गई है। काफी समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद आखिरकार करण जौहर ने खुद इस बात का ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर दिया है और साथ ही उन्होंने फिल्म में एक और एक्ट्रेस के होने की जानकारी भी दी है। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि साउथ की फेमस एक्ट्रेस राशि खन्ना है। करण जौहर ने दोनों एक्ट्रेस का नाम अनाउंस करते हुए लिखा है कि हैशटैग योद्धा की हमारी दो फीमेल लीड्स आपके दिलों को हाईजैक करने आ रही हैं। दिशा पटानी और राशि खन्ना का परिवार में स्वागत है। 11 नवंबर 2022 को सिनेमा घरों में मिलते हैं। वहीं दिशा पटानी ने भी इस खुशखबरी को अपने फैंस के साथ शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है कि इस एक्शन पैक्ड यात्रा में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। मैं लोगों को उतारने के लिए तैयार हूँ, चलो चले। हैशटैग योद्धा 11 नवंबर 2022 को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में उतरेगी। वह इस फिल्म को लेकर राशि खन्ना के एक्साइटमेंट उनके द्वारा शेयर किए गए पोस्ट और लिखे गए कैप्शन से साफ दिखाई दे रही है। मैं ये घोषणा करते हुए बेहद सम्मानित और उत्साहित हूँ कि मैं दिशा पटानी के साथ हैशटैग योद्धा टीम में शामिल होंगी। हम तैयार हैं 11 नवंबर 2022 को सिनेमा घरों में मिलने के लिए। वहीं फिल्म के एकमात्र हीरो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी दोनों एक्ट्रेस के होने से काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि हैशटैग योद्धा की दो शानदार फीमेल लीड्स दिशा पटानी और राशि खन्ना को लेकर उत्साहित हूँ। तैयार हो जाइए, हम आपके नजदीकी सिनेमा घरों में 11 नवंबर 2022 को आ रहे हैं। फिलहाल दोनों एक्ट्रेस की लीड रोल में होने की खबर आ रही है। अब किसका कैरेक्टर क्या होने वाला है वो तो फिल्म की झलक देखकर ही पता चलेगा। इसलिए फिल्म योद्धा से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। धन्यवाद।